नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। पूरे देश के साथ रीवा में भी कोरोना का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं आपको बताऊं, रीवा में इस समय 525 से ज्यादा पेशेंट इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। खुशी की बात यह है कि लगभग 385 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, 132 अभी भी एक्टिव हैं। वहीं एक दुखद बात यह है कि 9 से लोगों की यहां पर इस बीमारी से मौत भी हुई है। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, कोरोना ने जिस तरीके से यहां पर दबे पांव दस्तक दी, वह अपने आप में एक हैरान परेशान करने वाली बात है। प्रशासन भी इस बात से परेशान, प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन कोरोना ने जिस तरीके से धीरे धीरे अपने पैर फैलाए, उससे वह भी नहीं बच पाया। संजय गांधी अस्पताल की अगर बात की जाए तो 50 अर्धशतक, जी हां, अर्धशतक संजय गांधी अस्पताल ने बनाया। किस बात के लिए? वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी थे, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्स हों या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य लोग हों, 50 से ज़्यादा संक्रमित हुए। सबसे बड़ी बात तो रीवा शहर के लिए यही रही, उसके बावजूद ठीक होने वालों का आंकड़ा काफ़ी बेहतर है। मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं, निश्चित रूप से जब यह खबर आप तक पहुंचेगी तो आंकड़े बदल चुके होंगे। मैं आपको बताऊं, ये मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, यहां पर एक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक COVID-19 सैंपल कलेक्शन बूथ है। यहां पर सैंपल लिए जाते हैं, माना जा सकता है जिस तरीके से यहां पर सैंपल लिए जाते हैं, उसके बाद संजय गांधी अस्पताल में भेजा जाता है। वहां पर उसकी जांच होती है और पेशेंटों को इलाज के लिए, गंभीर पेशेंटों को संजय गांधी अस्पताल में रखा जाता है, बाकी को अन्य जगह पर भी रखा जाता है। मैं आपको दिखाऊं कोरोना वायरस से बचाव के जो भी तरीके हैं। सबसे पहले बुखार आना, सिर दर्द, नाक बहना, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में खराश, सीने में जकड़न। संक्रमित इसके बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं, ये तो थे लक्षण। कैसे फैलता है, बचाव के तरीके, कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने व खांसने से, जी हाँ, संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने और खांसने से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से भी यह बीमारी फैलती है। संक्रमित जगह में संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए अपनी आँख, मुंह व नाक को छूने से भी यह बीमारी फैलती है। इसके बचाव के सबसे आसान तरीके, प्रशासन लगातार इस बारे में लोगों को सचेत करता है। मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धोना चाहिए। बिना हाथ धोए अपनी आँख, मुंह एवं नाक को छूने से बचना चाहिए। संक्रमित संपर्कियों सामग्रियों के संपर्क में आने के बाद आँख या नाक को छूने से बचना चाहिए। कोरोना वायरस के लक्षण जैसे ही आपको मिलते हैं, आपको निकटतम केंद्र में इसकी जानकारी देनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, आप नोट भी करिए इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, इस तरीके की बीमारी से बचाव और जानकारी के लिए 8225096382 और 8827294999 पर भी संपर्क किया जा सकता है। निश्चित रूप से थोड़ी सी सावधानी इस बीमारी से बचाव के तरीके निकाल सकती है। 525 से ज़्यादा संक्रमित मरीज एक रीवा जिले के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। और अधिक जानकारी के लिए हम आपको इसके बारे में लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। जैसे ही यह खबर आप तक पहुंचेगी, ये आंकड़े एक बार फिर से बदल चुके होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।